So, here we go. Ishq aur jurm, baby. अमन, I miss you so much. आज फाइनली हमारी शादी है। कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। लेकिन मेरे पति देव, हमारी शादी में सिर्फ 6 घंटे ही तो बाकी है। देखो, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं 30 मिनट में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। ओके बाबा, ठीक है। इतनी देर लगा दी बाबा तुमने। मैं तुझे जान से मार दूंगा। कातिल है, इसने मेरी बेटी को मारा है। तुम्हें दियो, चल। राशि, एक बात तो साफ है, अमन ने राशि का खून किया है, विटनेस सुरेंद्र जी है। अब मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आखिर शादी के दिन ही अमन ने राशि को क्यों मारा। तो इसमें समझने जैसा क्या मैडम, रिमांड रूम में ये पूछ लेते। चल बेटा, एक बात तो साफ है कि राशि का खून तूने किया है। अब खून किया क्यों है ये बता। मेरे बाप को गलतफहमी हो रही है, मैंने राशि को नहीं मारा। आप मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, ये फोन की लास्ट कॉल तेरे साथ है और फोन की रिकॉर्डिंग तो कुछ और ही बता रही है। राशि, जल्दी से पीछे वाले डोर पर आओ। पर तुम पीछे के दरवाजे पे क्या कर रहे हो? क्योंकि मैं फंसना नहीं चाहता। मतलब ताकि मुझे कोई देख ना ले। मैं फरार रहा था, तो नेकलेस उसके गले में चुभ रहा था और जब लाइट ऑन हुआ तो राशि जमीन पे पड़ी थी। राशि को नहीं मारा मैडम, मेरी बॉडी की जांच पड़ताल कर ली अच्छे से? हाँ जी मैम, वो ना राशि के गले में ना नाखून के निशान मिले, मगर देखकर लगता नहीं है कि किसी आदमी के नाखून के निशान हैं। और उसके राइट हैंड में एक रिंग मिली है, उस रिंग में ना एक बाल है, लेकिन वो बाल मैडम राशि का नहीं है, बल्कि किसी और लड़की का है। इंद्रपाल, ज़रा पता लगाओ ये माही कौन है। जी यस मैम। और वहाँ के वॉचमैन से पता करो कि 29 तारीख की सुबह से शाम तक कौन कौन आया और कौन कौन गया, और CCTV फुटेज भी चेक करना। ये माही कौन है? माही मेरी दोस्त है, और अब हमारी बात नहीं होती। क्यों नहीं होती तेरी बात उससे? क्योंकि माही मुझसे बात प्यार करती थी, और राशि और मेरे बीच बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। और जब मेरे को पता चला कि इन सब की वजह माही है, तो मेरी माही से बहुत आर्ग्यू हुई, माही में मैंने एक चाटा मार दिया, और अब हमारी बात नहीं। हमें माही का पता चल गया है, वो 29 तारीख की सुबह से ही गायब है, और हमें वहाँ की CCTV फुटेज मिली है सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक की, जिसमें एक दूध वाला, एक फल वाला, एक फूल वाला और एक लहंगा डिज़ाइनर था। लेकिन मैम, उसमें माही की भी फुटेज है, जिसमें उसके आने की तो फुटेज है लेकिन जाने की नहीं। और हाँ, ये रिपोर्ट्स आ गई हैं, इसमें इससे साफ पता चलता है कि राशि के कमर पे चाकू लगने से उसकी मौत नहीं हुई है, बल्कि जहरीले नाखून से हुई है। नाखूनों में केमिकल मिला के मारा गया है,
और वो नाखून प्लास्टिक के थे जो हमें बॉडी से मिले। आखिरकार केस अपने मोड़ पर आ गया। ये माही राशि के घर में ही है। चलो मैडम, माही इधर है। तुम्हारी हालत किसने की? मुझे यहाँ राशि के फादर ने बुलाया था और उन्होंने मेरी हालत की है। माही, माही, शी इज नो मोर। इंद्रपाल, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। जी मैम। बता कहाँ है तेरे साहब? मुझे नहीं पता मैडम। अरे बोल रहा है, लगाऊं दो डंडे? बोल। जी सर ने मुझे बताने से मना करा था, अभी थोड़ी देर पहले ही झांसी के लिए निकले। इंद्रपाल चलो। तूने अपनी बेटी को मारा, फंसाया अमन और माही को। क्यों मारा तूने अपनी बेटी को? चल अब बता। दरअसल मैं नहीं चाहता था कि अमन और राशि आपस में शादी करें। प्लान सोची मैंने कि मैंने माही को फोन लगाया और उसे अपने यहाँ बुला लिया। मैंने माही के सर पे डंडा मारा और उसे बेहोश कर दिया, उसके दो बाल खींचे और उसके बाद उसे स्टोर में बंद कर दिया, उसकी लाइट बंद कर दी। लाइट बंद करने के बाद मैं अंदर गया, नकली नाखून से अपनी तरफ से मैं अमन को मारना चाहता था, लेकिन अंधेरे में मेरे से गलती से वो नाखून मेरी अपनी ही बेटी को लग गया। मैंने चाकू लेके अपनी तरफ से फिर अमन को ही मारा था। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था, वो चाकू भी मेरी बेटी को लग गया। लाइट जली तो मेरी बेटी वहां पर मरी हुई थी। मैंने राशि को अपने ही खून का खून कर दिया, मैंने राशि को मार दिया। तूने क्या सोचा तू इतना बड़ा गुनाह करके सफाई से निकल जाएगा? तेरे जैसों ने आज क्राइम को बढ़ावा दे रखा है, लेकिन इस क्राइम की सजा इतनी खौफनाक होगी कि कोई भी क्राइम करने के बारे में सोचे उससे पहले उसकी रूह कांप जाए। तूने तीन तीन जिंदगियां बर्बाद कर दी और दो खून किए, अब सड़ जेल में, फांसी की सजा होगी तुझे। इंद्रपाल, अमन को छोड़ दो और राशि की डेड बॉडी अमन को दिलवा दो और इसे डालो जेल में। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते है ना, वो खुद ही उसमें गिरते हैं। चल तुझमे क्या कोई सबर है? प्यार में बिस्तर में लेटेंगे, गुस्से में कबर है। इश्क रंग भी लाल सा, खून का रंग भी लाल सा, इश्क रस्ते चलते चलते हो जाते जुर्म। इश्क और जुर्म, 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 इश्क और जुर्म।